हेलो भाई, अंकित सुजुकी वाले सोचते कुछ है और हो कुछ जाता है भाई। बिल्कुल ही इनका बजाज की तरह हाल है। बजाज वालों का भी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया ही था, सोचते वो भी कुछ है और हो कुछ जाता है। खैर, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिस्कस करने नहीं बैठेंगे भाई। आज अपन सुजुकी की सारी गाड़ियों के सेल्स के बारे में जानेंगे मॉडल वाइज। आज भी मज़ा भरपूर आने वाला है भाई। टोटल इंडियन मार्केट में सुजुकी 9 मॉडल्स को बेचता है भाई। तो 9th नंबर पे है भाई वी स्टॉर्म SX250, जो हाल फिलहाल में लॉन्च नहीं हुआ था, वही गाड़ी है भाई। एडवेंचर मॉडल में फरवरी के महीने में इस गाड़ी की 0 यूनिट बिकी है। जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ भाई, बुहनी तक नहीं हुआ इस गाड़ी का फरवरी के महीने में। इतना बुरा हाल रहा इस गाड़ी का। अभी भाई जनवरी का नहीं बता सकता इस गाड़ी का, क्योंकि लिस्ट नहीं आया था पिछले महीने। अभी पावर वगैरह जान लेते हैं। 250 सीसी का इंजन आता है भाई, बिल्कुल ही जिक्सर 250 वाला इंजन है। 26.1 BHP का पावर, 22.2 Nm का टॉर्क, बाकी 35 तक माइलेज मिल जाता है, और 167 kg अपने को कार्बिड मिल जाता है इस गाड़ी का। अभी इसमें अपने को 3 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। प्राइस की बात करते हो तो 2,45,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। अब पता नहीं सुजुकी वाले क्या सोच के इस गाड़ी को लॉन्च किए थे भाई। इंजन वगैरह थोड़ा सा ट्यूनिंग वगैरह करना चाहिए, नहीं इन्होंने बिल्कुल ही स्पोर्टियर गाड़ी का इंजन उठा के डाल दिया। खैर, हमें क्या भाई। 8th नंबर पे है भाई कटाना, ये भी हाल फिलहाल में लॉन्च हुई थी भाई। सुपर बाइक है ये, फरवरी के महीने में इसकी 1 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। चलो ठीक है, बुहनी तो हुआ ना इस गाड़ी का। अभी ये देखने वाइज मस्त लगती है भाई, कुछ भी को यार मजा आ जाता है देखने में। अभी इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 150 BHP का इसमें पावर मिलता है। बाप रे बाप, गाड़ी क्या ही भागती होगी। 106 Nm का टॉर्क मिलता है। टॉप स्पीड की बात करते हो तो 240 km/h तक इसमें टॉप स्पीड अपने को मिल जाता है। बाकी कॉर्बेट अपने को मिलता है 217 kg का। प्राइस की बात करते हो तो 15,20,000 रुपये आपको देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। इसमें अपने को 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। हायाबुसा से ये भाई कम ही पावरफुल है, हायाबुसा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आगे देखो वीडियो, हायाबुसा का भी सेल्स बताऊंगा। 7th नंबर पे है भाई वी स्टॉर्म 650, फरवरी के महीने में इस गाड़ी की 8 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। अभी इस गाड़ी के इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 650 सीसी का इंजन आता है। लगभग 70 BHP के आसपास अपने को पावर मिलता है। 62 Nm के राउंड अपने को टॉर्क मिलता है। 25 km/h तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी कॉर्बेट अपने को मिलता है 216 kg का। अभी इसमें अपने को 2 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। बाकी प्राइस इसका चला जाता है 10,02,000 रुपये दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। मेरे कहने का मतलब भाई, पूरा ऑफ रोडिंग वगैरह इस गाड़ी से कर सकते हो, इन्होंने वैसा ही बना रखा है इस गाड़ी को। इसी पे बेस्ड आपकी SX250 है। 6th नंबर पे है भाई हायाबुसा, इस गाड़ी के फरवरी के महीने में 34 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। जनवरी के महीने में तो मैं बता नहीं सकता कितना बिकी थी। इसके पावर वगैरह की बात करते हो तो 187.3 BHP का पावर मिलता है। 150 Nm का टॉर्क मिलता है। 18 km/h तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी 266 kg का कॉर्बेट मिलता है। भाई साहब, गाड़ी कितनी भारी है यार। कलर ऑप्शन अपने को 3 मिल जाते हैं। बाकी प्राइस की बात करते हो तो 18,33,000 रुपये आपको देना पड़ेगा इस गाड़ी के लिए। अभी कल ही भाई इस गाड़ी का फेज 2 लॉन्च हो चुका है। मतलब बिल्कुल ही सेम डिजाइन है भाई, वही कलर ऑप्शन अपने को मिलेगा, बस इंजन अपने को फेज 2 के हिसाब से मिलता है। बात करते हो अगली गाड़ी की तो 5th नंबर पे भाई जिक्सर 250। अभी फरवरी के महीने में 228 यूनिट बिके भाई इस गाड़ी की मात्र है। अब इसमें फेयरिंग वाला भी मॉडल मिल जाता है, साथ ही आपको नकेट वाला भी मॉडल मिल जाता है। नकेट वाले के बारे में जान लेते हैं, प्राइस वगैरह पावर फिगर वगैरह। तो 26.13 BHP का पावर मिलता है। 22.2 Nm का टॉर्क मिलता है। 35 km/h तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी 156 kg का अपने को कॉर्बेट मिलता है। 4 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई नकेट वाले मॉडल में। पावर की बात करते हो, पावर तो बता दिया यार, फिर से पावर क्यों बोल रहा हूँ। प्राइस की बात करते हो तो 213,000 रुपये आपको देना पड़ेगा दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से। फेयरिंग वाला मॉडल लोगे तो भाई मेरे हिसाब से 220 तक आपको देना पड़ेगा। बात करते हो अगली गाड़ी की तो 4th नंबर पे है भाई जिक्सर 150। अभी ये भाई अपडेट हो चुका है दोनों मॉडल, इसमें भी नकेड और फेयरिंग दोनों आता है भाई। मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह सब चीज़ मिलने लगा है यार इसमें। फरवरी के महीने में 1698 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। जनवरी का मैं बता नहीं सकता। अभी इसके पावर फिगर की बात करते हो तो 13.41 BHP का पावर मिलता है और 13.8 Nm का टॉर्क मिलता है। माइलेज लगभग 45 तक निकाल लेते हैं। बाकी कॉर्बेट अपने को मिलता है 141 kg का। 6 कलर ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं भाई। 1,61,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली के ऑन रोड के हिसाब से ये गाड़ी। अभी देखो जिक्सर 250 भी मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगती है। जैसे 213,000 रुपये में 26 BHP का पावर मिल जा रहा है, ख़राब नहीं है। लेकिन इससे अच्छा आपको इंडियन मार्केट में बजाज ऑफर करता है NS 200।
24 BHP का उसमें पावर मिलता है और प्राइस भी कुछ ज्यादा नहीं है भाई, 170 तक आप ला सकते हो बिंदास है। तो देखो ये लोग महंगा प्रोडक्ट तो देते हैं, वैल्यू फॉर मनी कहना बेकार है भाई मेरे हिसाब से। अब आप भी बोलोगे अभी तो वैल्यू फॉर मनी बोल रहा था, मेरे माइंड में नहीं था भाई NS200, इसीलिए वैल्यू फॉर मनी बुला गया। खैर ये सब बात छोड़ो भाई, थर्ड नंबर पे है भाई अवेनिश। अभी देखो मैंने बताया ना ये लोग सोचते कुछ और हो कुछ जाता है। अवेनिश को लॉन्च करा था इन्होंने भाई एंटॉर्क से कम्पिटिट करने के लिए, लेकिन ये गाड़ी आज तक भाई एंटॉर्क के आधे भी नहीं बिक पाई है, आधा क्या भाई 25% भी नहीं बिक पाई है। मात्र इस गाड़ी की 3713 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में मात्र है। बाकी इसका भी फेज 2 लॉन्च हो चुका है, 1,08,000 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है दिल्ली का ऑन रोड के हिसाब से। पावर इसमें मिलता है 8.58 BHP का, टॉर्क इसमें अपने को मिलता है 10 Nm का। माइलेज की बात करते हो तो 55 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी करवेट की बात करते हो तो 106 kg का अपने करवेट मिलता है। 5 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई अवेनिश में अपने को, प्राइस तो मैंने आपको बता ही दिया। देखो एंटॉर्क से ये गाड़ी क्या ही कम्पिटिट कर पाएगी, एंटॉर्क एंटॉर्क है भाई, ये गाड़ी है समझ रहे हो ना। इंजन तो अपने को बिल्कुल ही एक्सेस वाला ही मिलता है ना भाई, तो कहाँ से कम्पिटिट कर पाएगी इंजन वाइज। सेकंड नंबर पे भाई बॉगमैन। अभी ये गाड़ी भाई देखने वाइज बड़ी बड़ी सी लगती है एकदम, जिनको मोस्कुलर गाड़ी चाहिए ना वही लेते हैं भाई बॉगमैन को। हर एक कोई नहीं खरीद पाएगा इस गाड़ी को समझ रहे हो ना, मतलब आपको थोड़ा स्पेस लेके चलना पड़ता है मार्केट वगैरह में। बाकी सारे ये स्कूटर पतली होती है, जैसे एक्टिवा वगैरह लेते हो, एक्सेस वगैरह लेते हो, इसके अलावा जुपिटर वगैरह लेते हो तो वो पतली पतली होती है भाई, लेकिन ये बहुत ही चौड़ा है तो अच्छा खासा आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। खैर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान दे दिया भाई, फरवरी के महीने में 6579 यूनिट बिके भाई बॉगमैन की। अभी बॉगमैन में भी सेमी इंजन आता है जो अवेनिश वगैरह मिलता है भाई, 8.58 BHP का, 10 Nm का टॉर्क, 55 KMPL तक लगभग माइलेज निकाल लेते हैं। बाकी इसका भी करवेट 110 kg चला जाता है। कलर ऑप्शन की बात करते हो तो 13 कलर मिल जाते हैं भाई, 1,08,322 रुपये से मिलना शुरू हो जाती है आपकी बॉगमैन। ये भाई मेरे को वैल्यू फॉर मनी लगती है, मतलब जिस हिसाब से लुक वगैरह मिलता है ना ठीक है, लेकिन पावर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होना चाहिए भाई, क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है 8.58 BHP का, सुन के ही मजा सा नहीं आता भाई। फर्स्ट नंबर पे है भाई एक्सेस। अभी फरवरी के महीने में एक्सेस की 40,194 यूनिट बिके भाई पूरे भारत भर में। अभी इसमें भी सेमी इंजन आता है 8.6 BHP का और टॉर्क अपने को 10 Nm का मिलता है। हालांकि मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आया भाई, मतलब बॉगमैन और अवेनिश से लोग बाग 55 तक माइलेज निकाल लेते हैं, लेकिन एक्सेस से क्यों लोग बाग 48 KMPL तक निकालते हैं। मैंने नेट पे सर्च करा भाई, यही मेरे को रिजल्ट मिला, एक्सेस का 48 है और बाकी सारी गाड़ियों का 55 है। पता नहीं क्या सीन है भाई, कभी मौका मिला तो टेस्ट करूंगा ना, तब अच्छे से पता चलेगा। बाकी इसका करवेट भी कम है भाई, 103 kg का। हालांकि प्राइस की बात करते हो तो ये बहुत ही सस्ते में आ जाती है भाई, बेस मॉडल लेते हो तो 93,373 रुपए से मिलना शुरू हो जाती है। एक्सेस में अपने को 14 कलर ऑप्शन मिल जाते हैं भाई। देखो भाई सुजुकी वालों के पास दिमाग नहीं है, इंडियन मार्केट में यार इतना कॉम्पिटिशन है, इनको भी कॉम्पिटिटर मतलब थोड़ा हाथ वगैरह धोना चाहिए। 125 cc में गाड़ी लॉन्च कर देते, 110 cc में गाड़ी लॉन्च कर देते, बाइक वगैरह की बात कर रहा हूँ, 100 cc में गाड़ी लॉन्च कर देते रिलायबिलिटी के साथ, तो मजा आ जाता भाई, कितना कॉम्पिटिशन बढ़ जाता तो और भी ज़्यादा इनका सेल हो जाता। लेकिन इनको तो भाई बस यही एक्सेस और बॉगमैन और अवेनिश बेचना है और जिक्सर कुछ कुछ बेच देना है। खैर कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता भाई, यहाँ पर हम सभी ने सुजुकी की सारी गाड़ियों को सेल्स के बारे में जान लिया मॉडल वाइज। आई होप आप सभी को मजा आया होगा भाई, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों दिल से। मिलते हैं कल किसी और कंपनी के साथ, चलो बाय बाय।